ईद के दिन जो काम करने के हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का दिन है। आज के दिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो दो है, दो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है आज के दिन। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो अमल क्या है? हुजूर फरमाते हैं पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तकबीर बयान करना पहला अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दो अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है, एक उसकी बड़ाई बयान करना तकबीर और दूसरे इस्तिग़फ़ार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक के फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ। वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। कयामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा है। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज्यादा से ज्यादा इन तमाम चीजों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। तो इससे अंदाजा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है और इसी तकबीर की आज ज़रूरत भी है मुसलमान को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, जिस तकबीर की आवाज़ से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। वो सिर्फ और सिर्फ हलक से निकलने वाली तकबीर नहीं है, वह ईमान की बशाशत और तवक्कुल के साथ निकलने वाली तकबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ईद के दिन जो काम करने के हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का दिन है। आज के दिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा